एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। तस्वीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि ये तस्वीर नागपुर में स्थित आरएसएस के हेडक्वार्टर में खींची गई थी। प्रशांत भूषण ने इस ओर इशारा किया कि द्रौपदी मुर्मू आरएसएस के साथ मिली हुई है। इसी तरह कुछ यूजर्स ने भी ये तस्वीर शेयर की, लेकिन ऑल्ट न्यूज की तफ्तीश में सामने आया कि ये तस्वीर एडिट की गई है। रिवर्स इमेज सर्च करने पर पहले तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब हमने तस्वीर को क्रॉप कर इसे फ्लिप किया और बाद में रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें प्रभात खबर की ये रिपोर्ट मिली। इसमें ऐसे ही ये तस्वीर शेयर की गई है, लेकिन वायरल तस्वीर से अलग इस तस्वीर में द्रौपदी मुर्मू नहीं है। आर्टिकल में मौजूद इस तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें आरएसएस का 11 मार्च 2022 का ये ब्लॉग मिला। इस ब्लॉग में बताया गया है कि ये तस्वीर गुजरात में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के दौरान क्लिक की गई थी। आरएसएस के हैंडल से भी ये तस्वीर ट्वीट की गई है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर की। वायरल तस्वीर में से सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर क्रॉप कर रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें जून 2022 का ये ट्वीट मिला। इस तस्वीर और वायरल तस्वीर में द्रौपदी मुर्मू ने एक ही कपड़े पहने हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू की साड़ी और सिर पर लाइट का रिफ्लेक्शन भी समान है। साथ में इन दोनों ही तस्वीर में उन्होंने एक ही जैसा सफेद रंग का बैंड या घड़ी पहनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू से हुई मुलाकात की ये तस्वीरें दिसंबर 2020 में ट्वीट की थी। तो जैसा कि हमने देखा, द्रौपदी मुर्मू और मोहन भागवत की दो अलग अलग मौके की दो तस्वीरें मर्ज कर ये दिखाने की कोशिश की गई कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आरएसएस से जुड़ी हुई है।